नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सोनाली। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावरों को गिराने का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। इन टावरों को 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे ध्वस्त करने की तैयारी है। इसे ध्वस्त करने के लिए मॉडर्न इंजीनियरिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी और विज्ञान के नियम का उपयोग किया जाएगा। आपको बता दें, इन सुपर टेक टावर्स को बम से उड़ाया जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। पच्चीस अगस्त को सुबह 11 बजे CBRI, नोएडा प्राधिकरण, नोएडा पुलिस और एडीफिस इंजीनियरिंग कंपनी के साथ बैठक में सभी किए गए कामों की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद दोनों टावर को गिराने की NOC एडीफिस इंजीनियरिंग कंपनी को दी जाएगी। आपको बता दें, 28 अगस्त को जब सुपरटेक ट्विन टावर जमीन दोज होगा, उस समय के लिए नोएडा पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार कर रखा है। नोएडा पुलिस की माने तो दोनों टावरों से करीब 500 मीटर दूर तक सभी मार्गों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जिस समय ट्विन टावर को ब्लास्ट के जरिए गिराया जाएगा, उस समय करीब 30 मिनट तक नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को भी बंद किया जाएगा। उस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया जाएगा ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। बता दें कि 28 अगस्त की सुबह 7 बजे से आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली कराया जाएगा, जिसमें एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी और ATS सोसाइटी मुख्य हैं। दोनों सोसाइटी में रह रहे लोगों को 28 अगस्त की सुबह 7 बजे बाहर निकाला जाएगा। पार्किंग में खड़े हुए वाहनों को भी बाहर किया जाएगा। शाम 5 बजे के बाद ही लोगों को सोसाइटी में आने दिया जाएगा। जानकारों की माने तो जिस समय ब्लास्ट के जरिए दोनों टावर को गिराया जाएगा, उस समय धूल का गुबार कई किलोमीटर तक जाएगा। इस ब्लास्ट के लिए प्रशासन ने खास तैयारी कर रखी है। ध्वस्तीकरण की ये प्रक्रिया वैज्ञानिक तरीके से अंजाम दी जाएगी और उसके लिए 3,700 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा। जी हाँ, तो दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचे नोएडा में सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर 28 अगस्त को ध्वस्त किए जाने वाले भारत की सबसे ऊंची इमारतें बन जाएंगी। परियोजनाओं के अधिकारियों ने बताया कि 100 मीटर से थोड़े ज्यादा ऊंची इमारतें 15 सेकंड से भी कम वक्त में ताश के पत्तों से बने घर की तरह ढह जाएंगी। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। We'll be right back.